वेलकम बैक टू GotSpeed। आज हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू ऑफ स्कोडा कोडियाक। इस कार को हमने एक साल पहले खरीदा था, इसने अराउंड 27,000 किलोमीटर्स कर लिया। तो स्टार्ट करें फ्रंट लुक से। सो बात करें लाइट की, तो आपको LED लाइट मिलती है, फिर टर्न इंडिकेटर और DRL भी इसी में जलते हैं। यहाँ पे आपके फॉग लैंप प्लेस करे गए, ये भी आपको LED मिलते हैं। इस गाड़ी में भी आपको वही स्कोडा की फैमिली ग्रिल मिलती है, ऊपर स्कोडा का लोगो प्लेस किया गया है यहाँ पर। तो आइए इसका इंजन ओपन करके देखते हैं। ये इस गाड़ी का इंजन है, अभी ये थोड़ा साफ नहीं है तो प्लीज माइंड मत करना। आइए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। ये इस गाड़ी के टायर्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब तक इन्होंने कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं दी है। ये इस गाड़ी के रियर व्यू मिरर हैं, यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर प्लेस कर गए हैं। गाड़ी में आपके दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। फ्रंट डोर्स पे ये प्लास्टिक का पीस बाहर आता है जब आप डोर खोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये सही में अच्छी तरीके से वर्क करता है, ये आपके डोर को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। रियर डोर में भी आपको मिलता है ये। यहाँ पे आपके रूफ रेल प्लेस करेंगे, विंडो के चारों तरफ ये क्रोम फिनिश मिलती है आपको, जो गाड़ी के लुक को काफ़ी एनहेंस कर देती है। गाड़ी में आपको LED रियर हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिलती है, इधर आपको कोडियाक की बैजिंग मिलती है, इसके नीचे आपको 4x4 की बैजिंग मिलती है, सेंटर में आपको स्कोडा का लोगो मिलता है। गाड़ी में आपको एक रियर वाइपर भी मिलता है, यहाँ पर आपको लाइट मिलती है। आइए इसकी बूट ओपन करके देखते हैं। बूट ऑटोमेटिकली अप हो जाती है, इसको आप की से या नीचे पैर लगा के भी खोल सकते हैं। विद द थर्ड रो डाउन बूट स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी बूट स्पेस इसमें मिलती है। और पीछे आपको दो लाइट्स भी मिलती हैं, जिनमें से ये वाली लाइट ये रिमूवेबल है, इसको आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। इसके अंदर आपको मैग्नेट मिलता है, ये बाहर भी जलती है गाड़ी के, ये रिचार्जेबल बैटरी है क्योंकि। आइए बूट को बंद कर देते हैं। बूट बंद करने के लिए भी आपको एक बटन मिलता है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी और एलिगेंट दिखती है। यहाँ पे आपकी फ्यूल लिड मिलती है आपको। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर, साइड में स्पीडोमीटर और सेंटर में आपको एक MID मिलती है, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। बात करें इसके इन्फॉर्मेटिव सिस्टम की, तो इसमें आपको 9 इंच की स्क्रीन मिलती है। उनको प्ले करके देखते हैं। कि आपने सुना, ऑडियो आउटपुट इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और स्पीकर में भी अब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। नीचे आपको यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। तो उससे थोड़ा नीचे आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो पार्क, पार्किंग सेंसर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो इसमें आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है, ऊपर वाला आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स है और नीचे वाला आपका नॉर्मल है, पर वो इल्यूमिनेटेड है और काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, उसके नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन मिलता है, अपर ग्लव बॉक्स पे भी मिलता है, और आपको गाड़ी में वर्टिकल AC के वेंट्स मिलते हैं। बात करें इसके सीट एडजस्टमेंट की, तो गाड़ी में आपको 11 वे सीट एडजस्टमेंट मिलता है, फुली इलेक्ट्रिक है ये, आपको ड्राइव करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, परफेक्टली एडजस्ट हो जाती है ड्राइवर के हिसाब से। आइए इसका रियर डोर खोल के देखते हैं। अब आगे वाली सीट नॉर्मल ड्राइवर के हिसाब से एडजस्ट है, और पीछे वाली में आप देख सकते हैं अभी भी कितनी ज़्यादा स्पेशियस है ये। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। गाड़ी में आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, आप इसे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये मिलता है, इसको नीचे करके आप आराम से गाड़ी में सो सकते हैं। गाड़ी में आपको ब्लाइंड भी मिलती है, पर इनको आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है, ऑटो ब्लाइंड इसमें आपको नहीं मिलती हैं।
अभी इस गाड़ी को सिर्फ एक साल ही हुआ है और इस एक साल के अंदर हमने इस गाड़ी को 26,872 किलोमीटर चला लिया है और इस गाड़ी ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है हर जगह पे। हाँ, इस गाड़ी की इंजन की स्पेसिफिकेशंस इतनी बेटर नहीं है, पर ये ऑन रोड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अगर इस गाड़ी की माइलेज की तो ये सिटी में अराउंड 8 से 10 की दे देती है और हाईवे पे अराउंड 12-14 मिल जाती है आराम से, पर सिर्फ इको मोड पे। स्पोर्ट्स या सिटी मोड पे रखेंगे तो वो माइलेज कम ही मिलने वाली है आपको। जैसे कि आप जानते हैं, आपको DSG ट्रांसमिशन मिलता है और इस ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पता ही नहीं लगता है कि कब इस गाड़ी ने गियर चेंज कर लिया है अपना। अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू देखना है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप इस गाड़ी का फुल रिव्यू देख सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बात करें अगर इस गाड़ी की आफ्टर सेल्स की, तो इस गाड़ी के साथ हमें 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिली थी या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की। तो अब तक इसकी सर्विस कॉस्ट कुछ भी हमें पता नहीं लग पाया, आइडिया कितनी रहेगी। और सर्विस हर 15,000 किलोमीटर पे होती है, तो अब तक हमने सिर्फ एक ही सर्विस करवाई है। इसकी सर्विस काफ़ी सही करके दी थी कंपनी ने, जितनी भी हमारी अगर छोटी मोटी भी कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो भी कंपनी ने रिजॉल्व कर दिए थे। अगर बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने इस गाड़ी के साथ फेस करी, तो ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम हमने आज तक इस गाड़ी के साथ फेस नहीं करी है। बस एक ही चीज़ थी कि एक बार इस गाड़ी के इंजन चेक लाइट ऑन हो रही थी, हमने कंपनी में बात करी तो उन्होंने बोला कि इसका एक पार्ट चेंज होगा, जो कि उन्होंने फ्री में करके दिया, पर उस पार्ट को आने में 15 से 20 दिन लग गए थे। तो कंपनी ने हमें रिप्लेसमेंट में दूसरी गाड़ी भी दे दी थी। तो कुल मिला के सर्विस कोडा की बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और बहुत ही बढ़िया हो चुकी। फीचर्स इस गाड़ी में बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं, हर फीचर इस गाड़ी में ऑलमोस्ट आपको मिलता है। हाँ, ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिस करती है, पर वो एलन के वेरियंट में अवेलेबल है। गाड़ी का बहुत ही लाइट है, पर ये सिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सिटी में मनूवर करने के लिए। इस गाड़ी की लेंथ बहुत ही बड़ी है और पर इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होती है इस गाड़ी को हैंडलिंग करने में। और बॉडी रोल भी बहुत ही ज़्यादा वेल कंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल इस गाड़ी में नहीं है। देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादातर बेज कलर में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभार, बहुत ही जल्दी ये गंदा हो जाता है। कंपेयर करें इसको इसके राइवल से, जो कि हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। पर जो एंडेवर से कंपेयर करें तो एंडेवर उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, जो थोड़ा ऑफ रोड चाहते हैं और रियल एसयूवी की फील चाहते हैं, वो ये गाड़ी नहीं दे पाती है। उस चीज़ में एंडेवर इससे आगे रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और हमें बताएं कि आप और किसी गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।